एमती प्रतिदिन राशिफल देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं पाखे आसुवा बेल आइकन को मध्य प्रेस करूँ। तो प्रथम जाणने आज तिथि नक्षत्र कौन कहे आज हे 28 सेप्टेम्बर 2021 मंगलवार आश्विन मास कृष्णपक्ष कन्या 12 दिन आज सूर्य उदय हो 5:40 मिनिट्रे एवं अस्त 5:34 मिनिट्रे। आज शुभबला दिवा 7:28 मिनिट्र आरंभ हो दिवा 11:16 मिनिट पर्यंत रहुचि। एही समय रे आपण माने किछि भी शुभ कार्य आरंभ करिपारिबे। मंगलवार आज हे मकर राशि घात बार एवं बिछा राशि घात चंद्र। आज नड़िया भक्षण निषेध। तापर आपण माने जानिछंती राशिचक्र रे 12टी राशि अछि। आउ एही 12टी राशि मध्यरु केउ राशि रे कोन सब दर्शउछि आज आपणकर भाग्य कोन कहिबो आमे देखिनेबा एही भिडियो रे। मेष राशि ठारु आरंभ करि मीन राशि पर्यंत 12टी राशि रे कोन सब दर्शउछि। त प्रथमे जानिबा मेष राशि रे व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिनटी किपरि रहिबो। मंगल षष्ठ स्थान रे रहितबारु शारीरिक सुस्थता विशेष भल रहिबो नाही। विभिन्न समस्या विजड़ित होवा कारणरु मानसिक स्थिरता रहिबो नाही। शुक्र एवं चंद्रक षडाष्टक स्थिति प्रभावरु सम्मुखरे भल कहुथिबा लोकटी पछरे विभिन्न प्रकार समालोचना करिपारे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलिबो। परिवार एवं मित्रक सहित समय बिताइबे। मनरे थिबा कामना पूर्ण हेबो। अधुरा कार्य पूरण हेबो। नुआ ज्ञानर वृद्धि हेबो। प्रेमिक प्रेमिकांक मिलन हेबो। अविवाहित युवक युवती मानकर विवाह स्थिर हेबो। प्रॉपर्टी संबंधी मामला बाहर मध्यस्थता द्वारा दूर हो किंतु अहंकार को त्याग करने को हेबो। आपणक आज प्रतिकार हेउछि गोमाता को किछि खाइबा को दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिनटी किपरि रहिबो। रविंक दुर्बलता कारणरु पारिवारिक क्षेत्र रे मनमालिन्य घटिबारे। कार्यव्यस्त जोगु केतेक काम ठीक समय रे करि पारिबे नाही। सभा समिति किंवा आनुष्ठानिक काम रे जणे पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ करि पारंती। संतान हेतुक पीड़ा किंवा सेमानक उपस्थितिर अभाव अनुभव करिबे। समस्त क्षेत्र रे खुशी मिलिबो। सामूहिक प्रयास एवं सहयोग द्वारा आगक बढ़िबा संभव हेबो। संतान संबंधी कौनसी महत्वपूर्ण काम आपणक द्वारा होइपारे। संपत्ति संबंधी मामला रे विजय हेबो। स्वास्थ्य रे परिवर्तन अनुभव करिबे। आर्थिक क्षेत्र रे परिवर्तन हेबो। अधा अधुरा थिबा कार्य पूर्ण होइजिबो। कौनसी बंधुक द्वारा परिवार संबंधित शुभ समाचार शुणिबे। आपणक आज प्रतिकार हेउछि श्वेत चंदन रे कर्पूर मिसै मस्तक धारण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा मिथुन राशिर व्यक्ति विशेष मानक पाई आज दिनटी किपरि रहिबो। कर्मस्थान रे चंद्र एकाधिक ग्रह दृष्ट हेतु नूतन कर्म आरंभ पाई परिवाररु पूर्ण सहयोग पाइबे। प्रशासन प्रकाशन राजनीति संगठन सभा समिति एवं आनुष्ठानिक क्षेत्र रे काम आरंभ कले प्रशंसित हेबे। आवश्यकता अनुभव करुथिबा समय रे निजर प्रियजनक सहयोगरु उपकृत हेबे। शारीरिक कष्ट दूर हेबो। समस्त फैसला एवं निर्णय बुद्धिमतारे परिपूर्ण हेबो। नुआ ज्ञानर वृद्धि हेतु प्रचुर धनलाभ हेबो। सबकिछि सुंदर ही सुंदर देखा देबो। व्यापार एवं कामकार्यर स्थिति बहुत संतोषजनक हेबो। नुआ चाकरी हेबार अफर मिलिबो। कोनसे शुभ कार्य करिबाकु आयोजन मध्य करिबे। नुआ लक्ष्य पूरण करिबा पई समय निर्धारित करिबे। आपणक आज प्रतिकार हेउछि तुलसी मूल माटी मुंडरे धारण करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा कर्कट राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी किपरि रहिबो। चंद्रक दृष्टि रे शनि थिबारु विभिन्न विषय रे चिंता करी मनरे
अस्थिरता सृष्टि हेबो। निज भाई बंधु एवं कुटुंब लोकमानक सहित संपर्क रे उन्नति परिलक्षित होई पारे। जने प्रतिष्ठावान व्यक्तिंक सानिध्य लाभ करी आत्मविर्भर होई पारंती। क्रीड़ा संगीत एवं चलचित्र तथा प्रतियोगिता रे सफलता अर्जन करिवे। शत्रु वा विरोधी किसी क्षति करिपारिबे नाही। कौन से सहृदय व्यक्तिंक ठारु यथेष्ट सहायता पाइबे। कमिशन संबंधित कार्य लाभ पाइबे। बंधु मित्र सहयोग द्वारा प्रेम संबंध आगक बढ़ी पारे। पार्टी बा समारोह रे सम्मिलित होगाक पड़ी पारे। दाम्पत्य सुखरे मधुरता आसीब। गुरुजन एवं वृजजनक सेवा कले अनेक आशीर्वाद पाइबे। आध्यात्मिक क्षेत्र रे उन्नति हेबो। आपणक पई आज प्रतिकार होउछे प्रभु हनुमानकर दर्शन करंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा सिंह राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी एपरि रहिबो। द्वितीयस्थ बुध एवं मंगल प्रभावरे आपणकर अप्रिय सत्य भाषण संपर्क हानि एवं कलहर कारण हेबो। बंधु किंवा सहकर्मीक कथारे प्रभावित होई कौनसी नूतन काम करिपारंती। क्रीड़ा कला साहित्य एवं संगीत क्षेत्र रे सुनाम अर्जन करिबे। पछरे मामलार सुनाणीरु मन खुशी रहिबो। परिवार रे अप्रीतिकर परिस्थिति देखा देले मध्ये समस्या को सुधारिबा पई चेष्टा करी कौशल क्रमे समाधान करिबे। धार्मिक कार्य रे रुचि बढ़िबा सहित समय मध्य आनंदमय हेबो। व्यवसाय क्षेत्र रे चतुरता सहित गति करी काम हासिल करिबे। परिश्रम एवं मेहनतर परिणाम आपणको मिलिबो। कला साहित्य क्रीड़ा चलचित्र तथा आनुष्ठानिक काम रे प्रशंसा मिलिबो। दुखी लोकंकु सहारा हेबे। आपणको पई आज प्रतिकार होउछि कोनसे को धळा रंगर गाई को रोटी खाइबाकु दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा कन्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी एपरि रहिबो। तृतीयस्थ केतुंक प्रभावरु कथा प्रसंगरे शत्रुता करथिबा लोकटी मन को बाधला भळि कथा कहि पारे। व्यवसाय किंवा परिवहन क्षेत्र रे अधिक आशा दुख देई पारे। कार्य हानि कारणरु बंधु महल रे अपमानित होई पारंती। योजना विहीन काम रे मुंड पुराइले समस्या सृष्टि करि पारे। स्वास्थ्य संपर्क दुश्चिंता दूर हेबो। पति पत्नीक मध्यरे बुझामणा भल रहिबो एवं दाम्पत्य सुखरे शांति अनुभव करिबे। निजर चतुरता एवं विवेक हेतु समस्त विपरीत परिस्थितिर सामना करिपारिबे। परिवार वा घर सम्बन्धीय कोनोसी महत्वपूर्ण समाचार शुणिबे। नूतन बंधुमिलन हेतु मन खुशि रहिबो। दूर यात्रार सुजोग पाई सफलता मिलिबो एवं प्रतिष्ठा प्रतिपत्ति मान सम्मान ख्याति बढ़िबो। आपणक पई आज प्रतिकार होउछि दही मीठा खाई घर बाहरंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा तुला राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी एपरि रहिबो। तीनोटी ग्रह व्ययभावस्थ हेतु कामरे खूब खर्चांत हेबे। आज शत्रु ठारु दूरेइ न रहिले हैरान हेबाको पड़िबारे। विभिन्न समस्या मध्यरे बुड़ी रही निजर कामगुड़ी संपर्ण करिबारे व्यस्तता बढ़ी जाई पारे। शिल्प वाणिज्य सामाजिकता एवं अर्थ संबंधित कामरे सफलता पाइबे। स्वास्थ्य समस्या दूर होइजिबो। कर्म क्षेत्र रे सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान वृद्धि पाइबो। नूतन कर्म नियुक्ति रे सफल हेबे। नूतन व्यवसायर सुजोग पाइबे। वाणिज्य निर्माण एवं परिवहन क्षेत्र रे समस्या समाधान होइजिबो। ऋण भरणारे सहज हेबो। सुख समृद्धि वृद्धि एवं आर्थिक क्षेत्र रे परिवर्तन होई अटकिथिबा कार्य संपन्न हेबो। बहुत दिनरु चिंता करूथिले जेउं काम ताहा अल्प प्रयास रे पूर्ण होइजिबो। आपणक पई आज प्रतिकार होउछि नाली रंगर जंदा किंवा पिंपुडिंकु चीनी किंवा गुड़ खाइबाकु दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेबो। एबे जानिबा मिथ्या राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई आज दिनटी एपरि रहिबो।
ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବରୁ ଯେଉଁ କାମରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନିକଟରୁ ଅଧିକ ପାଇବା ସକାଶେ ବ୍ୟାକୁଳ ହେବେ। ପରିବହନ, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରି ସଫଳ ହେବେ। ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ କିମ୍ବା ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ହେବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବିବାହିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବ। କାମଟି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। ନୂଆ କୌଶଳ ଶିଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ପତିପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖରେ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଚାଉଳ ଏବଂ ମିଶ୍ରୀର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ପରୋକ୍ଷ ଶତ୍ରୁତା କରୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରେ। ଗୁରୁ ସୌରୀ ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେକାଂଶରେ ବଦଳିଯିବାର ଆଶା ରହିଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଟରେ ଯିବା ସମୟରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ସମସ୍ତ ଫଇସଲା ଏବଂ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବୁଦ୍ଧିମତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରୁନଥିବା କାମକୁ କରି ଦେଖାଇବେ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ଏବଂ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାଲିମକଦମାରେ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅତୁଟ ରହିବ। ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବା ଫଳରେ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଗୋମାତାକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀମାନେ କାମ ହାସଲ ସକାଶେ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମନ୍ଦ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା କାଠିକର ପାଠ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ, ନିର୍ମାଣ, ସଭା ସମିତି ପ୍ରଭୃତିରୁ ସୁଫଳ ପାଇବେ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ମେଣ୍ଟିଯିବା ଫଳରେ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସିତ ହେବେ। ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ କୌଣସି କର୍ମ କରି ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ନୂଆ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନାଲି ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ବଳବାନ ରାଶିଧିପ ଶନିଙ୍କ ସୁପ୍ରଭାବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥରେ ରାହୁ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ କଥାରେ ହଠାତ୍ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କଳା, କ୍ରୀଡ଼ା, ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ରାଜନୀତି ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯାତ୍ରା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ବନ୍ଧୁ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୁଧୁରିଯିବ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକାମାନେ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଦ ବିବାଦର ଅବସାନ ଘଟିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାରେ କୌଣସି ବାଧା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ ଜଟିଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଶୁଭ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଦହି ମିଠା ଖାଇ ଘରୁ ବାହାରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି କିପରି ରହିବ। ଶୁଭଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଆପଣ ଯେତେଟା
परिस्थिति को जटिल मन करवर सेपर किसी हेबनी परिवार भितर अजथा व्यस्तता प्रकाश कले समालोचित हेबे परिस्थिति वशतः कार्य करी आवश्यकता को चलाई नेबाकू बाध्य होई पारंती कौन से अपरिचित व्यक्ति को विश्वास करी हालरे पड़ पारंती समय चिंतारु मुक्ति मिलिबा सहित मानसिक शांति मिलिबा शत्रु माने दूरे जेबे उच्च शिक्षा अध्ययन पाई विदेश यात्रार जोग अछि कौन से प्रकार उच्च मान्यता रक्षा करी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करि पारिबे नूतन व्यवसाय योजनार शिलान्यास कले दीर्घस्थायी हेब एवं बहुविध लाभ पाइबे प्रेमिक प्रेमिका मानकर प्रेम सम्बन्धरे अधिक घनिष्ठता हेब आपणक पई आज प्रतिकार हेउछि महुटिके खाई घर बाहरंतु एहा करिबा द्वारा आपणकर दिन आहुरी उज्जवलमय हेब तेबे बंधुगण आज आपण जानिले मेषठार मीन पर्यंत संपूर्ण बारटी राशि भाग्यफल आशा करुच्छे भिडियोट भल लगी भिडियो भल लगे लाइक करूँ अन्य सेयार करूँ डेली राशिफल देखापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ।